हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बड़ी घोषणा की। सीएम ने सहकारी समितियों में करप्शन की जांच के लिए एसटीएफ के गठन का ऐलान किया है, जिसकी जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बड़ी घोषणा की। सीएम ने सहकारी समितियों में गड़बड़ियों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत काम करेगा। मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि एक एसीबी, हालांकि एसीबी अपने आप में कोई भी केस जाता तो उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन केसेस बहुत होते हैं, उनको भी समय ज्यादा लगे ना लगे, इसलिए मैं घोषणा कर रहा हूं कि एसीबी के अंतर्गत एक स्पेशल टास्क फोर्स केवल इन समितियों के और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम गठित कराएंगे कि केवल इन सैकड़ों जो समितियां हैं किसी भी जिले की हैं उनका सबका इन्वेस्टिगेशन होगा और सबकी रिपोर्ट आने के बाद इनके खिलाफ जो कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा उसको भी पकड़ेंगे, सामान्य होगा उसको भी पकड़ेंगे। सीएम ने विधानसभा में उन परिस्थितियों के बारे में भी बताया जिसके बाद एसटीएफ के गठन का फैसला किया गया। दरअसल सहकारी समितियों को अभी तक 328 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें से 259 करोड़ रुपए का उपयोग ही दिखाया गया, शेष 69 करोड़ रुपए बैंकों में ही पड़े रहे। राज्य सरकार ने जब समितियों को ऑडिट कराया तो कई गड़बड़ियां भी सामने आई, जिसके बाद सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया। लेकिन ये जो राशि है, और ये बात भी ठीक बता दी मंत्री जी ने कि कुल 300 कुछ करोड़ रुपया जो है ये सैंक्शन हुआ उस समय से लेके आज तक 328 करोड़, जिसमें से 259 करोड़ ही यूटिलाइज दिखाया गया है, जिसके अंदर कोई संभावना हो सकती है। 69 करोड़ रुपया तो बैंकों में उसका आज भी बाकी पड़ा हुआ है, तो इस 259 करोड़ रुपए में जितना भी इसके अंदर कोई चीज मिलेगी वो फिर 850 करोड़, मैंने बताया 8.80 करोड़ ये बता दिया, और जितना भी बढ़ेगा इसके ऊपर एक एक पैसा आना पाई जितना भी रिकवर किया जाएगा रिकवर करेंगे। उनकी सर्विस जो है कईयों को तो बर्खास्त कर दिया है, जिनको सस्पेंड किया वो दोषी पाए जाएंगे उनको भी बर्खास्त करेंगे, क्योंकि सस्पेंशन होती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद दोषी होंगे तो उनको भी हम बाहर करेंगे, उसको रखेंगे नहीं, लेकिन आगे से इन सब चीजों का ऑडिट साथ साथ हो रहा है, ऑडिट होते ही और जो जानकारी मिलेंगी वो भी हम एसीबी से कराएंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच के बाद इस मामले में 9 FIR दर्ज की। 4 जिलों में समितियों की जांच में 8.80 करोड़ रुपए की अनियमितता मिली है। सीएम के अनुसार इस मामले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अध्यक्ष महोदय, ऑडिट हुआ, ऑडिट में कमियां पाई गई, सुओ मोटो हमने उसका नोटिस लिया, हमने एसीबी को दिया, एसीबी ने 9 FIR लिखी है और 9 FIR में कुछ तो चीजें उन्होंने जांच कर ली है, और जांच भी अभी 4 जिलों की जांच है। ये ठीक है कि 4 जिलों में उन्होंने 8.80 करोड़ रुपए का एक राशि निकाली कि इतना हमारे पास कन्फर्म हुआ है, उसी में से अंदाज लगा करके जब सारी बातें होती हैं कि अगर 4 जिलों में 8 करोड़ निकला तो फिर सब 22 जिलों में तो 100 करोड़ निकल आएगा, कहीं 100 करोड़ का विषय अभी तक आया नहीं है, 8.8 करोड़ का आया है। दोषी अधिकारी जो है उनके नाम उल्लिखित हो गए, उनको जिनको बाहर कर दिया वो भी सब बता दिया गया है, जिनको सस्पेंड किया वो भी बता दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पैसे की रिकवरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रॉपर्टी भी अटैच की गई है। अनु कौशिक, ARCS का मोहाली में एक घर, एक फ्लैट, 29 कनाल 5 मरला भूमि और बैंक अकाउंट को अटैच किया गया। इसी प्रकार राम कुमार, पूर्व RCS का कुरुक्षेत्र में आवासीय प्लॉट और बैंक अकाउंट, योगेंद्र अग्रवाल का मोहाली में फ्लैट और बैंक अकाउंट, सुमित अग्रवाल और उनकी पत्नी का बैंक अकाउंट और फ्लैट, नितिन शर्मा का जीरकपुर में फ्लैट और बैंक अकाउंट को अटैच किया गया। सीएम ने ये भी साफ कर दिया है कि अभी जिन अधिकारियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई, अगर जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो सरकार उनकी बर्खास्तगी का फैसला लेने में जरा भी देर नहीं करेगी।
मनोहर लाल सरकार ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।